नमस्कार दर्शकों को हम मिलवा रहे हैं अपने 10 साल से लगातार मगीना विधानसभा से विधायक मनोज पारा जी से। आइए जानते हैं वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं और इस बार वो क्या नगीना की जनता के लिए खास करना चाह रहे हैं। विधायक जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम आदावर। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे लगातार 2 बार विधायक बनाया। मेरे पास न अल्फाज है और न शब्द है कि किन शब्दों और अल्फाजों में उनका शुक्रिया अदा कर सकूं कि उन्होंने पिछली भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी मुझे छोटे से आदमी को जिताकर विधानसभा पहुंचाने का काम किया। और जहां तक मुद्दों की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 साल में नौजवान, किसान, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, मुसलमान, ठाकुर, कोई सा समाज हो, सैनी, कश्यप, पाल, हर समाज को इतना दुखी कर दिया है कि कोई भी इनसे संतुष्ट नहीं है। मुद्दों की भरमार है। किसान, जब जिस देश का किसान परेशान है, समझ लो कि सब परेशान है, क्योंकि 60% किसान है। और जब किसान बर्बाद है तो सब बर्बाद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग इंतजार कर रहे हैं 14 तारीख का, कि कब 14 तारीख आए और हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकें। मोटे मोटे मुद्दे आप देखिए कि इन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क हम देंगे। आज हमारे क्षेत्र की तो हमने कोशिश करके फिर भी बहुत हालात ठीक किए हैं, लेकिन आप सत्ता पक्ष के विधायकों की सड़कों का हाल देखोगे तो गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज 2016 में हमने स्वीकृत कराया था, जब लोगों को ऑक्सीजन और दवाई की जरूरत थी, लोगों को डॉक्टर की जरूरत थी, तो न डॉक्टर मिला, न ऑक्सीजन मिली, ना बेड मिला, ना बिस्तर मिला, और लोग इस दुनिया से जाते रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, कोई इंतजाम नहीं किया। अगर वो मेडिकल कॉलेज हमारा 2017-18 में बन गया होता तो कम से कम हमारे क्षेत्र के लोगों को जो ऑक्सीजन की और दवाई की और बेड की, बिस्तर की किल्लत हुई, वो ना होती। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे सामने है कि जल्द से जल्द अपने क्षेत्र के, हमारी सरकार में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज को हम पूरा कराएंगे और उसे चालू कराएंगे, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में एक हमने ITI कॉलेज यहाँ पर नगीना में शुरू कराया था। आप आज भी हालत देख सकते हैं कि कछुआ भी उससे तेज चलता है। पूरे 5 साल बीत गए, आज तक उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं, तैयार नहीं हो पाया। उस कंस्ट्रक्शन को पूरा करा हमने। एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नगीना के लिए स्वीकृत कराया था, वो सरकार ने खत्म कर दिया कि यहाँ राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की जरूरत नहीं है, उसको दोबारा कराना है। कई बार, जितनी बार विधानसभा में बोलने का मौका मिला, विधानसभा उठाने का मौका मिला, कताई मिलकर हमने मुद्दा उठाया कि या तो ये चालू कराई जाए, ये ना हो तो इसकी जगह कोई और यूनिट लगा करके लोगों को रोजगार दिया। तो इस सरकार में, आने वाली अपनी सपा सरकार में, हम ये कोशिश करेंगे कि उसकी जगह कोई ऐसा प्लांट लगे जिससे रोजगार की संभावनाएं लोगों को, उनको मिल सके, लोग उसमें रोजगार कर सकें। और एक हमारे ओवरब्रिज की बहुत जरूरत है नगीना में, यहाँ जाम लगता है। तो ओवरब्रिज भी हमने पिछली बार काफ़ी हद तक स्वीकृत हो गया था, रेलवे से परमिशन हो गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में उसमें कुछ ग्रांट की कमी थी, वो नहीं मिल पाई, तो इसलिए इस बार उसको, ओवरब्रिज को भी हमें पूरा कराना है। ये सारे मेन काम है जो हमारे क्षेत्र में, नगीना में, इस समय जरूरत है। और आजकल युवा, जब से लॉकडाउन लगा है तब से युवा खेल के प्रति ज़्यादा जागृत हुआ है, तो जगह जगह लोगों को खेल के मैदान की आवश्यकता हमारे युवा साथी बताते हैं, जिससे वो पुलिस की, फौज की तैयारी भी उन ग्राउंड्स में कर सके। तो इसका कोई तरीका निकालेंगे, अगर अपनी सरकार बनती है तो इसका कोई तरीका निकालेंगे कि किस तरीके से उन युवाओं को हम उनकी ये सुविधा दे सके। ये सारे मुद्दे हैं जो आने वाले समय में हमें करने हैं। और अपनी जनता का मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी जनता सबको मिले कि जो मुझसे इतना प्यार करती है कि हर हालत में, आज भी आप पूरे क्षेत्र में एक ही माहौल है और सब मेरे साथ हैं, सर्व धर्म सर्व जाति के लोग मुझे अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं उन सभी का बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आपके माध्यम से उनसे कहना भी चाहता हूँ कि अगर कहीं थोड़ा बहुत कोई मुझसे नाराजगी हो गई हो, कोई मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं उतना उनका सम्मान नहीं दे पाया हूँ, उनको उतना सम्मान ना कर पाया हूँ, या काम क्यों भी विपक्ष का विधायक था, उतना काम भी नहीं कर पाया, 2.5 साल इस सरकार ने मुझे जेल में भी रखा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा सहयोग करें। आने वाली 14 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर मुझे कामयाब करें। मैं उनकी सेवा करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।